चलो बनाते हैं चिकन सुक्का। हमें लगेगा 1.25 किलो चिकन, तेल, कड़ी पत्ता, 1 स्पून हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, 1 वाटी नारियल, हरा धनिया, घर का बनाया हुआ मसाला, मेथी पाउडर और 2 कांदे बारीक कटे हुए। हम लेंगे एक पैन, पैन में डालेंगे 4 से 5 स्पून तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा डालेंगे कड़ी पत्ता, बारीक कटे हुए प्याज, इसे हमें अच्छे से भुनना है। अब डालेंगे नमक, इससे प्याज जल्दी पक जाएगा। जब तक प्याज पक रहा है, एक दूसरे पैन में हम नारियल को अच्छी तरह से भुनेंगे। इसे तब तक भुनिए जब तक नारियल ब्राउन हो जाए। नारियल का दूध सूखने तक हमें भुनना है। जब नारियल भुन जाए तब ऐड करना है कड़ी पत्ता और 1 टेबलस्पून हल्दी। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब डालेंगे मेथी पाउडर, घर का बनाया हुआ मसाला। रेसिपी चैनल पर अवेलेबल है। डालिए हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। एक चम्मच हल्दी डाल के इसे भी भूनिए। अब डालेंगे 1.25 किलो चिकन। चिकन को मसाले में अच्छे से मिलाइए। अब इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी और 1/2 नींबू का रस। इस स्टेप पर आप नमक ऐड कर सकते हो और ढक के 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच में पकाइए। यहाँ पर हमारा नारियल और कड़ी पत्ता अच्छे से भुन चुका है। चिकन हमारा पकने लगा है। अब हम डालेंगे भुना हुआ नारियल का मिक्सचर। इसे अच्छे से मिक्स करना है और ढक के 5 मिनट पकाइए। चिकन आपका इस तरह दिखेगा। अब डालिए कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाइए। मैंगलोर स्पेशल चिकन सुक्का तैयार।